जी ने मूर्ति का खंडन किया है। प्रिया मूर्तियों के गीत गा रहे हो। आचार्य जी को एक निवेदन करता हूँ, स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई को कोई या मूर्ति की जरूरत नहीं है। तपोभूमि में मंच पे विराजमान सन समाज के चन्नों में मेरा नमन। विराजमान हमारे फलोदी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी, लोहट के लोकप्रिय विधायक कृष्ण राम जी विराजमान, हमारे समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को बधाई देता हूँ कि दो वर्ष के बाद में जब आप सब लोगों को गुरु जम्बेश्वर भगवान के हमारे आशीर्वाद से जो ये कोरोना काल के कारण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो ये विश्व महामारी चल रही थी उसके कारण जो आम सभा थी, जो मंदिर में दर्शन करने के जो सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज दो वर्ष बाद वो जो काल था वो काल खत्म हुआ। मैं सभी आप लोगों को बधाई देता हूँ और गुरु महाराज का आशीर्वाद सदैव इस समाज के सभी श्रद्धालुओं पे बना रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज भी एक पूरे देश में और विश्व में महामारी जी ने गुरु महाराज की बात जो आज 500 साल पहले बताई कि पेड़ लगाओ, आप शाकाहारी भोजन खाओ, तो उन्होंने उस बात को जिस 500 साल पहले बताई थी, तो इस समय में कोरोना काल के समय में जब इस ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जब लोगों को विभिन्न बीमारी, ये बीमारी आई मांसाहारी खाने की वजह से, तो जब आज गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो 500 वर्ष पूर्व ये बात कही थी, शाकाहारी की बात कही थी, वृक्ष लगाने की, तब उनकी एक बड़ी सोच थी, एक उन्होंने जो आगे वो एक युग पुरुष इस मंच पे बात चल रही है, जब पार्टी की बात चल रही है मूर्ति के विरोध की, और मेरे पीछे गार्ड खड़े हो गए, कुछ बोलना चाहता था वो भूल गया। मैं सरपंच बिश्नोई बने हैं, और भी जाति के आते हैं, लेकिन माननीय स्वर्गीय राम सिंह जी हमारे समाज के आदरणीय राजस्थान के कद्वार नेता थे, जिनकी मूर्ति यहाँ लगना अति आवश्यक है, जो हमने इसकी श्री जामोलाव धाम विष्णु सभा और ये ग्राम पंचायत जांबा दोनों में सहमति व्यक्त करते हुए जो इनकी कानूनी कार्रवाई होती है वो अति शीघ्र करके लगाई जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको सबको। यही भावना थी सरपंच साहब की, ये सबकी भावना है। भाई मूर्ति का सवाल है, अभी लोगों ने प्रश्न उठाया मूर्ति के लिए, जमीन अपने पीएचडी के पास पड़ी है, गोचर है, और मनोहर जी हमारे जांबा के बड़े समझदार सरपंच हैं, यदि ये इनके पास में दूसरी क्षतिपूर्ति की जमीन नहीं है, पर मेरे एक छोटी सी ग्राम पंचायत कृष्ण कला है उसमें मेरे पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं तो मैं वहाँ से क्षतिपूर्ति जितनी ये जमीन मांगेंगे इतनी क्षतिपूर्ति जमीन मैं दे दूंगा। धन्यवाद। मैं आप लोगों को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, समाज के अखिल भारतीय विष्णु समाज की कमेटी को और सरपंच यहाँ के पंचायत को कि आपने जो ये आवेदन लिया है स्वर्गीय राम सिंह जी के मूर्ति की स्थापना की, उसके लिए मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जांबो जी ने मूर्ति का खंडन किया है, प्रिया मूर्तियों के गीत गा रहे हो। परमात्मा से भी इंसान बढ़ के होता है सजनो, हमें धर्म में विश्वास नहीं, हमें मर्यादा में विश्वास नहीं, हम ये किसकी चमचागिरी करें, क्यों लोगों को गुरु बनाने की चेष्टा करते हो। पर मैं आप आचार्य जी को एक निवेदन करता हूँ कि स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई को कोई या मूर्ति की जरूरत नहीं है, उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, उनको कोई नाम की जरूरत नहीं है, उन्होंने समाज में हमेशा बिना कोई भेदभाव, बिना किसी उच्च भाव के देखे, हमेशा जो साहब के पास में कभी भी हाजिर हुआ है उन्होंने बिना भेदभाव के और बिना गरीब के और बिना पैसे वालों के देखे, उन्होंने हमेशा मदद करने की सोची, उन्होंने कभी नहीं देखा, वो कभी अगर किसी के शादी ब्याह में गए हो या कहीं दुख में दुख बांटने के लिए दिखे, पर उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मैं ये मेरा निवेदन रहेगा अखिल भारतीय महासभा से कि यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, मूर्ति की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो आप
पहले आप स्वयं एक निश्चित कर लें कि अगर वो कार्य आप कर सके तो ही उसे हाथ में ले, क्योंकि मैं इस मंच के माध्यम से सामने विराजमान पंडाल में सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं थी, हमने इनको नहीं निवेदन किया कि स्वर्गीय राम सिंह जी की यहाँ मूर्ति लगाओ। हमारे पास में पूरे प्रदेश में पूरे जिले में खूब जगह है साहब की मूर्ति लगाने के लिए, और उनको पहचान समाज में देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद एक वो पहचान थे, समाज की पहचान थे। उन्होंने हमेशा हमेशा समाज का भला चाहे, चाहे वो मंच हो। रही बात आप करते हो पार्टीवाद की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुले अधिवेशन में मुकाम में जब खुद राम सिंह जी समाज के अध्यक्ष थे, वो विधायक थे पार्टी के, तब उन्होंने समाज का टिकट मांगा भाजपा से, समाज के लिए उन्होंने टिकट मांगा। तो उन्होंने कभी समाज में भेदभाव नहीं किया, ना कभी पार्टीवाद किया, और ना आपके लोगों के सबके प्यार और आशीर्वाद से आज तीसरी पीढ़ी में हम विधायक हैं। आज तीसरी पीढ़ी में मेरे को आप सब लोगों से, समाज के पूरे आशीर्वाद से, समाज के मंच से, मेरे को आज जिले में जो आप लोगों की वजह से जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो उसके लिए मैं पूर्ण समाज का मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने मूर्ति की बात कही, क्यों कही? मैंने पहले आपसे कहा राम सिंह जी का सम्मान लोग दिल से करते हैं। जो मुकाम में घटना घटी वो घटना या न घटे, मुकाम में भी लोगों ने कहा था आप सार्वजनिक स्थान पे मेले परिसर से बाहर कहीं कोई मूर्ति लगाता है, चाहे उद्यान में लगाए, चाहे विद्यालय में लगाए, चाहे धर्मशाला में लगाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था मैं ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मेले परिसर में मूर्ति की चर्चा मत कीजिए। मूर्ति वहां लगे जहां समाज को कोई आपत्ति नहीं हो, आपत्ति हो मुकाम का उदाहरण सामने है उसका पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरे कहने का भाव ये था न कि राम सिंह जी की मूर्ति लगे, ये कदई मेरा भाव नहीं। राम सिंह की मूर्ति चाहे देश दुनिया में कहीं लगे, मुझे कोई व्यक्तिगत तकलीफ नहीं है। बाप जी गोविंददास ने अर्ज की, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ। कल अब मेरा परमानेंट कमेटी में ये मीटिंग हुई थी, बाप जी रामानंद जी साथ में थे, हमने पहले ही ये तय कर लिया था बाप जी कि अब इस मंदिर के प्रांगण में नहीं होगा, और मंदिर के प्रांगण में पहले ही तय कर लिया था, लेकिन आप संत लोगों का, कमेटी के पदाधिकारियों का, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का साथ होना जरूरी है। कहीं भी देखो मैं पंचायत की तरफ से आपको झीगा देने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन आपका सहमत होना बहुत अति आवश्यक है, लेकिन हम इस प्रांगण नहीं करें, जगह दूसरी है साहब। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक, आपने 1972 से लेकर आज 2021 तक आप लोगों ने आशीर्वाद जो हमारे परिवार पे बनाए रखा है, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। हमने कभी भी एहसान फरामोश होके या कभी भी समाज को भूलने की कभी हिम्मत नहीं की। हमने जब कई समाज को जरूरत पड़ी, हम हमेशा सबसे आगे समाज के लिए खड़े होने का हमने प्रयास किया। आज आप अगले मेले में जब खेजली शहीद स्थल पे पधारेंगे, तब आप देखेंगे कि उस स्थल को एक राज्य स्तरीय, एक देश में एक अच्छे स्तर पे एक पर्यटक स्थल बनाने की हमने कोशिश की है। कि आज विदेश से सारे पर्यटक आए तो एक बार वो आके वह उस जगह को देखे। हमने वहाँ कोशिश की है कि उस जगह को एक अलग, जो माँ अमृता देवी ने, जो 363 लोगों ने जो अपनी बलिदान दिया, वो उनका बलिदान को दुनिया को ध्यान पड़े कि उन्होंने उनका क्या योगदान था, पर्यावरण के प्रति उनका क्या योगदान था, इस देश के प्रति। वो हमने कोशिश की है कि हमने सरकारी विभागों से, विभिन्न विभागों से, विधायक कोष से, पंचायत समिति से, JDA से, वहाँ पे हमने लगभग 100 बीघा के जो कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को 4 दीवारी की, उसके लिए करोड़ों रुपए हमने JDA से लगवाए। हमने कोशिश की है मंदिर में करोड़ों रुपए लगवाए, तो हम कभी कोई भी मंच पे हमेशा कोई क्रेडिट लोन की मारी मंशा नहीं रहे, हमेशा मैं नहीं हो जा के मैं लोगों की वाह वाह ही लेला, क्योंकि लोगों ने मन में हैंगा ने ध्यान है उन समाज के वास्ते अच्छो कार्य कर रही हो। मेरा निवेदन सभी समाज के संत से यही मेरा निवेदन रहेगा कि हम, हमारा तो एक हमेशा सोच होती है बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई गरीब और अमीर देखते हुए, हम हमेशा चाहे हमें उनके सुख में बुलाए गए या दुख में बुलाया जाए, हम हमेशा हाजिर होने की कोशिश करते हैं। पर आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कोई पैसे वाले घर में आप जाए और अपना
आप वहाँ अपना समय देते हैं। तो हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई पैसे वाले घर देख के जाते हैं, हम तो बस ये व्यक्ति देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमसे कभी भी मिलता है, कभी भी बोलता है, कभी बुलाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उनके हम पूर्ण रूप से सहयोग करें। हमने मैं पहले एक सब एक लूनी क्षेत्र में ही होता था, पूरे जिले में, जिले के पूर्व सरपंच आते हैं, सबके पूर्व सहयोग की हम कोशिश करते हैं। हर कोई जब ये बात चली पूर्व में भी समाज के जो हमारे तो आप मूर्ति की तो मूर्ति में जो ये समाज का निर्णय है, समाज का निर्णय, इस यहाँ के संस्था का निर्णय, तो हम हमारे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आप मेरा एक ही निवेदन रहेगा देवेंद्र जी से, यहाँ के कार्य कमेटी के अध्यक्ष जो भी होंगे उनसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि यदि आप उस व्यक्ति का जिसने हमेशा समाज को सर्वोपरि माना है, समाज की जो सेवा की है, अगर आप उस व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, पर आप पहले सुनिश्चित कर ले कि समाज ये चाहता है कि नहीं, इस जगह पे, इस भूमि पे अगर वो यदि लगवाना चाह रहे हैं तो वो आप उसको अन्यथा कोई बिना ये लड़ाई में डाल के, एक भेदभाव में डाल के उस बात को आप जाया नहीं करें, उस आदमी के योगदान को आप जाया नहीं करें। आप हम पे उंगली उठा सकते हैं, पर उस व्यक्ति ने, मुझे नहीं लग रहा कि अपने राजनीतिक करियर में, वो खुद एक किसान के बेटे थे, उन्होंने सरपंच से शुरू होके अपना राजनीतिक करियर में मंत्री बने, उन्होंने हमेशा समाज की हर बात को रखा। तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि उस व्यक्ति के नाम पे अगर आप लोग लड़ाई हो रही है, कोई अगर मुद्दा हो रहा है, तो उन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है। अगर आप मूर्ति ना लगाएं तो भी उनको ऐसा कोई भी पीढ़ी नहीं आएगी, अगली पीढ़ी भी दगली भी याद रखेगी, लारली भी याद रखेगी। हर हर घर में काम करियोड़ा है, तो आप लोग तो आपको प्यार और स्नेह वास्ते मैं धन्यवाद दूं कि आप जो मुद्दों रखियो, आप वो भी पास भी कर दियो कैसे आप लगावा, पर उनको कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है। बाकी आप लोगों ने, आप सभी श्रद्धालु जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हो, उनका मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो मेरा मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय जम्बेश्वर।